मेरे अति प्रियो, यीशु मसीह के नाम से मैं अभिवादन करता हूं। क्या किसी कार्य में आप डरे हुए हैं? इसी को मैं बार बार कहता हूं ना, परमेश्वर स्वयं कहता है तुम डरना नहीं, डरना नहीं। कारण यही है, शैतान हमें डराते रहता है। इस जिंदगी में जहां हम रहते हैं, असारी परिस्थितियों में हमें डराने के लिए बहुत सारे कोशिश को करता है और परिस्थिति को ऐसे करता है और मनुष्यों का हमारा विरोध खड़ा करता है। इसलिए परमेश्वर तुम मत डरो करके बार बार हमसे कहता है। आज भी हमारे चारों तरफ जो दुष्ट रहते हैं उनके चलते हम बहुत डरे हुए हैं। जो अधिकार में रहते हैं उनको सोच के सही ढंग से चलने से भी उनके चलते हम बहुत डरे हुए हैं। हम किसके नीचे काम करते हैं जो हमारा मालिक है, हमारा लीडर है? अपने कार्यों को बोल के हमको इस प्रकार डरा के रखते हैं। जब इसको सोचते हैं हमारा मन में जो हमेशा डर आता, नहीं तो जब काम में निकलते हैं उस वक्त डर आता है। क्या ऐसे आप डरते हैं? क्या मेरे प्रमोशन को रोक देंगे, मेरे उन्नति को, मेरे आशीष को, मेरे बिजनेस को, क्या ये रोक देंगे? ऐसे आपका डर है? भजन 118 का 6 वचन में एक भक्त ऐसे कहता है, यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आप भी कहना है, परमेश्वर मेरे पक्ष में है, परमेश्वर मेरे साथ रहता है, इसलिए नहीं डरूंगा। डरने की परिस्थिति आने से भी नहीं डरूंगा। कारण यह है, परमेश्वर मेरे साथ रहता है, इसलिए नहीं डरूंगा। मनुष्य मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता है, मेरी उन्नति को रोक नहीं सकता है, मेरे विरोध में कोई भी काम नहीं कर सकता है, मेरे आशीषों को रोक नहीं सकता, मेरे परिवार की जो उन्नति आशीष आने वाली उसको कोई भी रोक नहीं सकता है। किसी मनुष्य के द्वारा परमेश्वर जो मेरे आशीष को रखा है उसको कभी भी रोक नहीं सकता, मैं इसलिए नहीं डरूंगा। मनुष्य क्या कर सकता है? ऐसे जब कहेंगे उस मनुष्यों को उसकाने वाला शैतान शर्मिंदा हो जाएगा, शैतान भाग जाएगा। चारों तरफ का जो मनुष्य है वो जो है हमारे चारों तरफ रहते हैं, वे सब जो है भले अच्छे हैं, उन सबको उसकाने वाला शैतान जो है वो दुष्ट है। उनसे बोलना है, ये शैतान सब बातों के लिए नहीं डरूंगा, परमेश्वर मेरा पक्ष में, मनुष्य मेरा विरोध क्या कर सकता है। शैतान से बोलिए तुम कुछ भी नहीं कर सकता है, ऐसा खुशी से बोलिएगा, खुद आपको हिम्मत आ जाएगा, शैतान दूर हो जाएगा। मेरे सबकाई में देखे कितने लोग डराते थे, कितना धमकियां दिए। अधिकार में रहने वालों से मुझे एक धमकियां आई थी, धर्म का विरोध करने वाले से मुझे धमकियां आई थी, बहुत ऐसे अनुभव है। लेकिन मैं प्रार्थना में कहता हूँ, हे शैतान, प्रभु मेरे साथ है, मैं कभी नहीं डरूंगा, तू मुझे कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए मनुष्य मेरे विरोध में क्या कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा तुम मुझे जेल में डाल सकता है, और क्या कर सकता है? झूठे इंजाम लगा के मुझे कोर्ट में तुम खड़ा कर सकता है, इतना ही कर सकता है ना। मैं हिम्मत से कहता हूँ, तू मुझे कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐसे कहने से शैतान जो है आपसे दूर भाग जाएगा। मेरे विरोध में शैतान जो है हमेशा दूर हो जाने का कारण यह है, हम जो वचन को विश्वास से कहते हैं, परमेश्वर हिम्मत को आपको देगा। आपको कहना है, मैं नहीं डरूंगा, प्रभु मेरे साथ है, मनुष्य मेरे विरोध क्या कर सकता। दिल में आत रख के आपका कहना है, प्रभु इसके बात नहीं डरूंगा, तू मेरे साथ रहता है, प्रभु मनुष्य क्या कर सकता है, कोई भी मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता, मैं विश्वास करता हूं। यीशु के नाम में आमेन, आमेन।